आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने संघटन मजबूतीवर भर दिला आणि तरुणाई आणि नवमतदारांना विशेष साथ घालण्यात येते आहे। लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य भारतातील युवकांना जोडण्याकरता भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने उपराजधानी नागपूरमध्ये राष्ट्रीय नमो युवा महासंमेलनाचं आयोजन करण्यात आलंय। नमो युवा महासंमेलनाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते। 2024 ची निवडणूक ही भाजपाच्या विजयाकरता नाहीये, 2024 ची निवडणूक भारताच्या विजयाकरता आहे, भारताच्या। आणि जर पुन्हा एकदा मोदीजी या देशाचे प्रधानमंत्री झाले तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मग भारताला कुठेही मागे वळून पाहावं लागणार नाही। आणि म्हणून तुम्हाला विनंती करतो, आता पुढचे एक महिना दीड महिना केवळ देशाकरता द्यायचा। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो हटी नहीं पर गरीब हट गए। एक ऐसी सरकार दिल्ली में थी जिसको आंखें थी पर दिख नहीं रहा था, जिसको कान थे पर सुन नहीं रही थी, जिसको मुंह था पर जो बोल नहीं पा रही थी। ऐसी एक गुंगी बहरी सरकार मनमोहन जी के रूप में, मनमोहन सिंह जी के रूप में दिल्ली में थी। जो 70 साल में ना हुआ वो मोदी ने कर दिखाया। धारा 370 हटाया गया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी राष्ट्र एक संविधान के सानिध्य में जुड़ा। क्योंकि मोदी है तो धारा 370 हटाना मुमकिन है। हमने अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से रामलल्ला को एक भव्य मंदिर में विराजमान करवाने के लिए आदेश पाया। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।